इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। दोस्त है चाइना, टाइम टेस्टेड फ्रेंड जो है, उसके हवाले से भी जैसे आप खुद फरमा रहे हैं कि प्रेशर ये है कि सी पैक के हवाले से गाहे बगाहे स्टेटमेंट्स भी आती रहती हैं अमेरिकन डिप्लोमेट्स की कि पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं होगा। फिर जो बाइडन ने भी एक नए कोशिश की है कि BRI की तर्ज पर एक नया इनिशिएटिव दें। तो अमलन ये मुझे बताइए, आपकी क्या फीलिंग है कि जो सी पैक है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अनस्पोकन टर्म्स में तो हमने बिल्कुल उसको स्टाल कर दिया है और जो काम जिस तेज़ी से होना चाहिए था वो नहीं हो रहा, और चाइनीज़ जो हैं वो इस मामले में बहुत ज़्यादा उनको फ्रस्ट्रेशन है। आपकी क्या ओपिनियन है? मुझे भी यही वाइस मिल रही हैं और लोगों के खदशात भी यही हैं, लेकिन मैं अभी भी ये समझता हूँ कि चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात में अभी तक वो मरहला नहीं आया जहाँ के हम पब्लिकली इशारतन भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ बात करें। अभी वो अल्लाह ताला करम है वो नहीं आया, और मैं समझता हूँ कि अगर लोग चाइनीज़ जो यूएई के किसी अखबार ने ये रिपोर्ट किया है जो ये फ़ोन कॉल के हवाले से, तो हमें ये नहीं समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए ही है, क्योंकि मैं समझता हूँ अभी भी चाइनीज़ आर वेरी केयरफुल इन देयर पब्लिक स्टेटमेंट्स, और इस पे थोड़ा सा हमें इंतज़ार ही करना चाहिए। अगर चाइनीज़ कुछ नहीं बोल रहे तो हमें इसको अननेसेसरीली पाकिस्तान की तरफ इसको नहीं लेकर जाना चाहिए। मुमकिन है कि वो भारत की तरफ इशारा कर रहे हों, किसी और मुल्क की तरफ इशारा कर रहे हों, तो ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान के हवाले से ही बात हो, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ, और मैंने क्योंकि हम चाइना को जानते हैं कि वो किस तरह अपनी सफारतकारी करते हैं, और पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात स्ट्रेटिजिकली आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर म्यूचुअली वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सी पैक में इस वक्त कुछ थोड़ा बहुत एक स्लो डाउन हुआ है प्रोसेस, लेकिन ये हमारे ताल्लुकात को सी पैक की वजह से तो शुरू नहीं हुई हुए सी पैक तो 2013 ऑनवर्ड से हम देखते हैं, लेकिन हमारे ताल्लुकात तो उससे पीछे से भी हैं। लेकिन ये भी मुमकिन है कि चाइना थोड़ा बहुत वरिड ज़रूर हो, क्योंकि इस वक्त जो एफर्ट्स हो रही हैं कि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान कुछ वेजेस ड्राइव की जाएं, तो हमें उसके बारे भारत में एहतियात से काम देना है, और हमें कोई ऐसा कदम नहीं उठाना कि हमारे ताल्लुक चाइना के साथ किसी हवाले से भी उसमें किसी किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो, क्योंकि पहला कदम मिसअंडरस्टैंडिंग का ही होता है, तो हमें उससे भी बचना है। तो मैं अभी भी पुरुमीद हूँ कि हम अगर अपने काम ठीक तरीके से कर लें तो चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात, मैं नहीं समझता कि ये कोई इतने नाजुक या इतने कमज़ोर हैं कि ये जो फोन कॉल की बात हो रही है शायद हमारे लिए चाइना तो हमारा जिगर है जिगर। तो चाइना ने ना क्या किया कि वो उसने जी अपने, मैंने सुना है कि वो हमें जो $4 बिलियन दिए थे ना, उसने वो एक हमने लेकर उसके मुंह पे मारे थे सऊदी अरब के, फिर हमने उससे लेके वो आपको पता है ना वो यूएई वाले मांग रहे थे तो उनके मुंह पे भी खींच के मारे थे, तो उसने मुझे लगता है वो वापस मांग लिए हैं शायद। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि ईरान की बड़ी तारीफें की कि जी ईरान तो बहुत अच्छा है, ईरान ऐसा नहीं है जो एक ही कॉल के ऊपर जो है वो यू टर्न मार ले या अपनी अपनी पॉलिसीज को चेंज कर दे। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है इस बात से, क्योंकि हमें जो है ना वो हमारे जो खान साहब हैं, मतलब ये हैंडसम से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हमें इनके ऊपर इतना भरोसा है कि हम जल्द ही आप देखिएगा कि पैसे कहीं ना कहीं से मांग तांग कर कुछ भी कर इमरान खान साहब ले आएंगे, और उसके बाद वो पैसे लेके और वो मुंह पे मारेंगे किसके, चाइना के। हम चाइना के मुंह पे वो पैसे वापस मारेंगे और कहेंगे रखो अपने पैसे अपने पास, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हमें हमारे इमरान खान साहब के मांगने तांगने वाले टैलेंट पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, और हमें लगता है कि
हम इस प्रॉब्लम में से जल्दी ही निकल आएंगे। वैसे तो खैर वो जो समिट हो रही है एनवायरनमेंट के ऊपर, उस पे खान साहब वैसे भी जा सकते थे, खुद से भी जा सकते थे, खुद भी ज्वाइन कर सकते थे। जैसे आप नहीं देखते वो हर वक्त मोदी जी के लिए कहते रहते हैं लोग कि जी वो मोदी जी जो हैं वो तो नवाज शरीफ साहब की ग्रैंड डॉटर की शादी में बगैर इनविटेशन के आ गए थे, तो क्या हो गया भाई? ऐसी ऐसी देसी देसी हरकतें जो मोदी जी करते हैं वो तो कोई भी करता है। मुझे तो खुद को बहुत शौक है कि मैं शादियों में जो है वो खाना खाने के लिए पहुंच जाऊं फ्री में, और वो भी मतलब चाहे किसी ने बुलाया हो ना बुलाया हो, लड़की वाले पूछें तो कहें लड़के वालों की तरफ से आई हूँ, लड़के वाले पूछेंगे तो बोलूंगी लड़की वालों की तरफ से आई हूँ। तो इस तरह की चीजें तो होती रहती हैं जी। तो मोदी जी ने कर लिया तो कौन सी बड़ी बात है? बात तो ये है जो खान साहब करते हैं कि देखें किस तरह से चाइना ने, पहले कहा हम सीपैक बना रहे सीपैक बना रहे, फिर पता नहीं सीपैक का क्या पैक कर दिया, और उसके बाद खुद जाके और जी शुरू हो गए वहां पर ईरान के साथ। और हमारे ये जो आपको मैं दिखाऊं, पर्दे में रहने दो पर्दा ना हटाओ, पर्दा जो उठ गया, तो आगे क्या था गाना मुझे याद नहीं आ रहा कि आगे इन्होंने क्या बोला था। हाँ ये है जी आसिम सलीम बाजवा साहब पर्दे में छुप के देख रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सीपैक के बंद हो जाने से इनकी सैलरी भी बंद हो गई है, जो कि 48 लाख के करीब ये पर मंथ ले रहे थे, और अब इनकी सर्विसेज जो है वो नहीं ली जा रही हैं, अब बेचारे बेरोजगार हो गए हैं। तो अगर किसी को कुछ हमदर्दी हो इनसे तो प्लीज इनको कोई जॉब दे दें, ताकि बेचारे बहुत गरीब है, इतने गरीब है, इतने गरीब है, यकीन करें मेरी तो आंखों से ना इनका सोच के आंसू निकल आते हैं। मैं क्या बताऊं बेचारे की, सिर्फ कुछ थोड़ी सी 100-150 के करीब बेचारे की पिज्जा की फ्रेंचाइज है, वहां जा जाकर ये पेल पेल के पिज्जा बनाता रहता है बेचारा। अब ये देखे ना कितना बड़ा जुल्म है कि ये सी पैक बंद कर दिया है इन चाइना वालों को, तो बस अल्लाह ही समझेगा, इतने ये ऐसे निकले हैं ना कि बस इन्होंने तो, हमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी जूते चाटने में, हम तो इनके इतने जूते चाटे, इतने जूते चाटे, हम क्या बताए, लेकिन इन्होंने फिर भी हमारे हमें इस तरह से, एक तो अपने पैसे वापस मांग रहे हैं ये कोई तरीका है, और ऊपर से कह रहे हैं कि जी वो सीपैक में भी नहीं काम हो रहा, अजीब तरीका इन्होंने कर दिया। अब हम करेंगे क्या? अब तो बाजवा साहब ने जो है ना तकरीबन हर चीज, बाजवा साहब और इमरान खान साहब ने हर चीज उठा के गिरवी रख दी है। मुझे लगता है कहीं एटम बम को भी ना रख दें, अगर एटम बम और न्यूक्लियर एसेट्स को भी इन्होंने गिरवी रख दिया तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा? क्योंकि हमने तो अभी गजवा हिंद भी लड़नी है, हमने तो अभी दिल्ली पे झंडा भी लगाना है, और वो मोदी जी अपने आप को समझते हैं कि हम उनकी गवर्नमेंट को तो ऐसे 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 करके उड़ा देंगे, तो लेकिन और कश्मीर भी लेना है हमने ना, वो तो हमारा हक है भैया, वो तो हमने लेना ही है ना, तो वो किसी तरीके से आएगा कि गजवा हिंद होगी। लेकिन अगर बाजवा साहब जो है उन्होंने ये न्यूक्लियर एसेट्स भी जाके गिरवी रख दिया, स्टेट बैंक और रेडियो स्टेशन की बिल्डिंग और F9 पार्क और बाकी जगह की तरह, तो तो गाइज ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया डिस्कस कर रहा था जो ईरान और चाइना के बीच एक नई डील हुई है, चाइना ईरान में एक नया इन्वेस्टमेंट कर रहा है, हूबहू सीपैक से मिलता जुलता बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चाइना ईरान के साथ कर रहा है, जिसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान और चीन के बीच अब रिश्ते बहुत ख़राब होने वाले हैं और चीन सीपैक छोड़कर जाने वाला है। यहाँ तक कि चाइनीज़ जो मिनिस्टर थे वहाँ ईरान में जाकर ये बोल आए हैं कि ईरान में, मतलब उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान किसी एक फ़ोन कॉल पर, मतलब किसी बाहर की एक फ़ोन कॉल पर, ऑब्वियसली एज़ यूजुअल अमेरिका की फ़ोन कॉल पर अपनी जो डिप्लोमेसी है, फॉरेन पॉलिसी है, वो चेंज कर देता है। तो अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि चाइना और पाकिस्तान के बीच जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट था पाकिस्तानियों के लिए सीपैक, वो ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तानी ये सोचते थे कि सीपैक बनेगा तो पाकिस्तान सुपर पावर बन जाएगा, पाकिस्तान की इकनॉमी दुनिया में सबसे अच्छी इकनॉमी हो जाएगी, इस तरह के पाकिस्तानी लोग कयास लगाते थे और बकवास करते थे। हालांकि सीपैक एक लोन था, अब चाइना जितना चाइना ने काम किया है उसे एज अ लोन वो वसूली शुरू करेगा पाकिस्तान के साथ, और उन्होंने पैसा मांगना शुरू कर दिया, जैसा कि आपने आरजू काजमी के मुंह से सुना। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, सीपैक जो एंड हो गया है, वैसे भी सीपैक का काम लगभग लगभग बिल्कुल ना के बराबर था, मतलब एक प्रोजेक्ट चल रहा था, आप सुन रहे थे 5-6 साल, और इतना बड़ा कोई प्रोजेक्ट था भी नहीं, बस उन्हें रोड बनाना था और एयर रेलवे लाइन बिछानी थी। भारत ने इससे तेज़ी से काम तो चाबहार में शुरू कर दिया था, और लगभग लगभग चाबहार में जो शिपिंग है वो चालू भी हो गई थी, मतलब आप समझ सकते हो, मतलब जो डिलीवरी है वो चालू भी हो गई थी अफगानिस्तान में, भारत ने वहाँ से गेहूँ और बहुत सारी चीज़ें पहुँचाना भी शुरू कर दिया था। तो सीपैक से बहुत तेज़ी से भारत ने चाबहार प्रोजेक्ट कम्प्लीट किया था,
चाबहार में, जबकि समुद्री रास्ता भी था। फिर दो देश थे ईरान और अफगानिस्तान, वहाँ पर रेलवे लाइन बिछा दी। तो अब आपको क्या लगता है दोस्तों, हालांकि भारत के लिए भी एक बुरी बात है कि अगर चाबहार ईरान कंटिन्यू रखता है कि नहीं रखता। हालांकि ईरान एक ऐसा देश है जिसमें मतलब भारत और ईरान में कोई डिस्ट्रीब्यूट लैंड का इशू तो है नहीं, तो शायद ईरान पाकिस्तान जैसी हरकतें ना करे और चाबहार भी कंटिन्यू रखे और सी पैक भी मतलब ईरान का जो चाइना के साथ जो प्रोजेक्ट है वो भी कंटिन्यू रखे। आपके इसमें क्या सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी तरीके के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।